ना पूड़ी और ना ही कचौड़ी, आज का नाश्ता बनाएंगे हम सिर्फ गेहूं के आटे से, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वंदना की रसोई में। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से क्रिस्पी फुला फुला आज का नाश्ता, सिर्फ 5 मिनट में बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए झटपट इस नाश्ते को बना लेते हैं। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन, बड़ा सा पैन ले लिया हमने, गैस को ऑन कर लिया है। सिर्फ 2 चम्मच तेल डालना है, जी हाँ सिर्फ 2 चम्मच तेल में आज हम बनाएंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटा चम्मच तेल डालेंगे। सफेद तेल हम डाल रहे हैं, आपके पास काला तेल है तो वो भी डाल सकते हैं। इसे 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इसे थोड़ा सा चला लेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, और इसके बाद थोड़ा चटक जाएगा ना, उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, या फिर आप कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। तो हमने ग्रीस करके अदरक डाल लिया है, और 1 चम्मच भर के डाला है हमने कूटे हुए मिर्ची, या फिर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा हमने चटकने देना है, या थोड़ा पका लेना है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें डालना है पानी, 1 कप हमने भर के पानी डाला है, और पानी को हमने थोड़ा सा पकने देना है, यानी कि इसमें से बॉयल आने देना है। इसके बाद इसमें डालेंगे कूटी हुई काली मिर्च, ये हाथों से कूटकर हमने डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इससे थोड़ा चटपटा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बाद हमें इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा। तो हमने घर का बना हुआ गेहूं का आटा डाला है, और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते हुए हमें इसे चलाते रहना है। तो बस यहाँ पे ध्यान रहे कि गैस को हमें स्लो कर देना है, और जितनी क्वांटिटी में हमने पानी डाला है उतने ही क्वांटिटी में हमें इसमें आटा डालना है। तो लीजिए करीबन 3 से 4 मिनट तक हमें इस तरीके से पकाए हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा डो जैसा हो गया है, पैन छोड़ने लगा है। तो बस गैस को बंद करना है और इसे ठंडा होने देना है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। इसे एक बर्तन में निकालने से पहले उसमें हमने ले लिया है एक बॉईल किया हुआ बड़ा आलू, साइज में थोड़ा बड़ा है, और इसमें जो पतला वाला जाली आता है उस जाली से हमें इसे क्रश कर लेना है। आलू को ध्यान रहे हमें क्रश करके ही डालना है, इसमें गुठली लम्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए बैटर मेरा ठंडा हो चुका है, और इसमें हम डाल देंगे जो क्रश किया हुआ है वो आलू। आलू डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हमने एक डो तैयार किया है उसी तरीके से हमें आलू को मैश करते हुए इसमें डो के फॉर्म में लाना है। जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही सेम टू सेम हमें इसे गूंथ लेना है, अच्छे से गूंथना है, क्योंकि इसमें आलू बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए, एकदम अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट ही लगा है, हमें आटे जैसा गूंथ लिया है, और हाथों में थोड़ा सा तेल या ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लोइयां लेंगे, और इसे गोला गोला बनाएंगे, और हाथों से प्रेस करके एक टिक्की के साइज में बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारा टिक्की जैसा तैयार है नाश्ता, और इसी तरीके से सारे नाश्ते को हमें प्रेस करते हुए हाथों से बना लेना है, थोड़ा चपटा कर देना है जिससे आलू का टिक्की रहता है उस तरीके से। इसे फ्राई करने में इजिली आपका बड़ा साइज हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमने नाश्ता को बना लिया है, अब इसे हम फ्राई करने के लिए चलेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैस को मीडियम पे रखना है, और तेल थोड़ा गर्म होने के बाद ही हमें नाश्ते को डालना है, और बस थोड़ा सा जैसे एक साइड में सीज जाए इसे साइज को हमें पलट देना है, और उलटते पलटते हुए 5 से 7 मिनट लगेगा। इसे अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा, और ध्यान रहेगा फ्रेंड गैस को अगर आप इसे हाई या मीडियम पे करके फ्राई करेंगे तो ये तेल सोक नहीं करेगा, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा और क्रिस्पी फ्राई होता है। तो गैस को बीच में हाई और मीडियम करके फ्राई करिएगा, और इसी से हमें ये जो नाश्ता है वो क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो लीजिए एक बैच का हमने फ्राई कर लिया है, और वैसे ही सेम टू सेम हमें दूसरे बैच का भी फ्राई कर लेना है। तो चलिए हमारा नाश्ता देखिए फ्राई हो चुका है और कंप्लीट है, इसे सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो इसे हम निकाल लेना है, और निकालने के बाद लीजिए हमारा नाश्ता चटपटा सा तीखा सा बहुत ही प्यारा सा नाश्ता तैयार है। इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, और बड़े भी बहुत प्यार से खाएंगे। डेली डेली अगर आप सोच रहे होंगे क्या नाश्ते में बनाएं, तो एक बार फ्रेंड्स ये जरूर ट्राई करिएगा, मेरा उम्मीद करिए आप ये बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए आज हम इसे केचप के साथ सर्व कर रहे हैं, आप चाहे तो खट्टी मीठी तीखी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये जितना ही फुला फुला है अंदर से आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी है, पूरा ये साइज तब बड़ा हो गया है, और ये देखिए कितना ज़्यादा फुला है, एकदम कचौड़ी जैसा फुला है, और इसमें टेस्ट आपको कचौड़ी का भी मिलेगा, मसाला पूड़ी का भी मिलेगा, और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा रेसिपी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो लीजिए हम केचप के साथ इसे सर्व कर रहे हैं, बच्चों का फेवरेट नाश्ता स्नैक्स। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।